हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक फॉर सक्सेस। मेरा नाम ब्रजेश और आज की इस वीडियो हम लोग ESIC UDC एग्जाम 2019 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ESI ने रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी किया है और वो अपर डिविजनल क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अलग अलग स्टेट्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है। हम लोग इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन को या इससे जुड़ी हुई जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो सिलेबस हो, पैटर्न हो, क्वालिफिकेशन हो, सिलेक्शन प्रोसीजर हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी कुछ देखेंगे। तो वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप ये फॉर्म फिल करने वाले हो तो एंड तक देखना। साथ ही साथ अगर आपने बैंक फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। जो इस एग्जाम से जुड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स वगैरह हैं, PDF वगैरह हैं, वो ऑलरेडी शेयर कर दिए गए। जैसे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, बुक्स हो गया, या इस पर बेस्ड जो आपको आर्टिकल्स है वो ऑलरेडी शेयर किए गए, जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, बैंक फॉर सक्सेस का वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाना फटाफट। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जो लास्ट पोस्ट जो है, चार पोस्ट, वो आपको ESI से ही रिलेटेड है। इवन आपको जो LIC AO वगैरह का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर से आप बुक वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, मेन्यू में ही अवेलेबल है। FCI का भी, RRB NTPC का भी, आपको सब कुछ मेन्यू में ही अवेलेबल है। इवन अगर आप ई बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर एग्जाम वाइज बुक डाउनलोड करना चाहते हो या एग्जाम से रिलेटेड आप स्टडी मटेरियल्स वगैरह देखना चाहते हो, सिलेबस देखना चाहते हो, आप ये वाले सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, फ्री स्टडी मटेरियल्स या फ्री ई बुक्स वगैरह आपको यहाँ पर दिए गए, तो ये चीज़ आप यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हो। और क्विज वगैरह अटेम्प्ट करना है तो आप ऊपर वाले सेक्शन से अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट रहा कीजिए। इस यहाँ पर आपको काफी सारे स्टडी मटेरियल्स वगैरह लिंक वगैरह मिलते हैं। तो t.me/bankforsuccess या @bankforsuccess, आप ऑलरेडी अगर टेलीग्राम पे हो तो @bankforsuccess के माध्यम से जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल में। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है ESIC UDC एग्जाम से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग वहीं पर उसको डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो जरूर पूछिए अपने क्वेश्चंस, आपके डाउट्स जितने भी होने चाहिए वो क्लियर हो जाने चाहिए। अगर हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो आपको 16 मार्च से स्टार्ट होगा एंड रजिस्ट्रेशन क्लोज जो होगा वो 15 अप्रैल तक होगा। तो आपको इन्हीं डेट्स के बीच में जो है आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ख़त्म कर लेना है, जो भी आपको फॉर्म फिल या फाइनल सबमिशन कर देना है, यह समझिए कि फाइनल सबमिशन कर देना है, पेमेंट करने के बाद ही आपका सबमिशन फाइनल माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक और बात जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप में से कई सारे लोग डेट्स, एग्जाम डेट्स के बारे में पूछ रहे थे टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब ESIC वगैरह अपने वैकेंसी जारी करता है तो ये आपको डेट्स वगैरह फाइनल नहीं बताता है, ये टेंटेटिव डेट्स इवन भी जारी नहीं करता है। तो ना तो नोटिफिकेशन उन्होंने डेट्स बोला है, लेकिन जल्दी रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपके मल्टीपल एग्जाम शेड्यूल्ड है। LIC हो गया या आपको RRB NTPC, जो कि बड़े पैमाने पर कंडक्ट किया जाएगा, तो इनको जो है आपको डेट्स मिलना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम सेंटर तो वही होंगे, एग्जाम देने वाले स्टूडेंट तो वही होंगे, तो डेट्स का जो है इसलिए थोड़ा सा पंगा पड़ा रहता है, तो इसलिए आपको डेट्स जारी नहीं किए गए हैं। तो जल्दी ही वो भी आपको फर्दर कम्युनिकेशंस के माध्यम से इसके डेट भी जारी कर दिए जाएंगे। अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें कि वैकेंसी कहाँ पर कितना है, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी जारी की गई है, तो आप अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें तो गुजरात में आपको UDC के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि UDC के लिए अराउंड 1700 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर के लिए 161 पोस्ट है। तो UDC में अगर हम लोग सबसे ज़्यादा देखें तो गुजरात में 143 है, कर्नाटका में 143 है, दिल्ली रीजन में आपको 94 है। अगर आप ESIC के हेडक्वार्टर की बात करें तो 23 वहाँ के लिए भी है। देन आपको महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा है, 325 है, 131 आपको तमिलनाडु में है, तेलंगाना में 121 है, वेस्ट बंगाल में 135 है, तो इस तरह से मध्य प्रदेश में 68 है, पंजाब में आपको 80 है। तो अलग अलग स्टेट्स में आपको इस तरह से UDC, अब UDC क्या होता है, अपर डिविजनल क्लर्क होता है, ओके, इसके नीचे कौन सा होता है, लोअर डिविजनल क्लर्क, LDC आता है। तो अलग अलग स्टेट्स के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट जारी किए गए। उसी तरह से अगर आप देखें तो स्टेनोग्राफर के सबसे ज़्यादा डबल डिजिट में अगर हम लोग बात करें, कर्नाटका हेड ऑफिस में है, महाराष्ट्र में, देन तमिलनाडु, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से कि आपको डबल डिजिट में वैकेंसी, हरियाणा में भी डबल डिजिट में वैकेंसी है, बाद बाकी स्टेट्स में आपको 2, 4, 6 ऐसे वैकेंसी जारी किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट से आपको फॉर्म फिल करना है क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी है, ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए कि वैकेंसी स्टेट वाइज है। आप अगर महाराष्ट्र से फॉर्म फिल करते हो तो आप इतने ही फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, इतने ही वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो, ऐसा नहीं कि सेंट्रल वैकेंसी नहीं है, ये स्टेट वाइज वैकेंसी है। क्लियर आप सभी को? तो
तो देख लीजिए कौन से स्टेट से आपको फॉर्म फिल करना है, कहाँ से आप बिलोंग्स करते हैं, ये चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म फिल करना है। अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो भागों में बंटा होता है, सबसे पहले तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है और दूसरा एज लिमिट होता है। और एज लिमिट में आपको अलग अलग तरह से जो है कई से जो भी अलग अलग आरक्षित कैटेगरी के लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनको आरक्षण भी दिया जाता है, 5 से 10 साल तक आपकी ज़्यादा जो है वो एक्सटेंड किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दें कि आप नोटिफिकेशन में देख लें कि आप अगर उस रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको वह अपर एज में आरक्षण दी जाती है, ओके। लेकिन नॉर्मल जो है रखा गया है वो जनरल कैटेगरी के लिए या नॉर्मल कैटेगरी के लिए वो 18 से लेकर 27 साल तक रखा गया है, और ये एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट पर कैलकुलेट किया जाएगा। क्लोजिंग डेट कौन सा है, 15 अप्रैल है, ओके, कि इसी डेट को आपको ये कैलकुलेट किया जाएगा, क्लियर है। तो एज आपका 18 से लेकर 27 होना चाहिए, 18 to 27 होना चाहिए, एंड देन ये 15 अप्रैल तक आपका कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल स्टेनोग्राफर पोस्ट जो है उसके लिए आपको हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, मतलब आपने 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने पास कर रखा है तो आप जो है इस फॉर्म को स्टेनोग्राफर वाले पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आपको सब्स्टिट्यूट में और भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे कि स्पीड ऑफ 80 words per minute इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी, आपको 80 वर्ड्स का जो है वो टाइपिंग होनी चाहिए आपकी, वर्ड पर मिनट WPM बोलते हैं उसको, कि 80 वर्ड्स पर मिनट जो है आप टाइप कर सके, ये स्टेनोग्राफी में आपको रिक्वायर्ड है। देन आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स और डाटाबेस आपको इंपॉर्टेंट है, वो सब आपके बारे उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। UDC के लिए आपको डिग्री चाहिए कि किसी भी प्रकार की डिग्री आपने कर रखी हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री कर रखा हो, और आपको कंप्यूटर या ऑफिस सूट्स वगैरह में हैंड्स ऑन हो कि आपने उस पर ऑलरेडी काम किया हुआ हो, ये आपका रिक्वायर्ड है, उनका वर्किंग नॉलेज वो लोग मांग रहे हैं, ओके। और एक स्टेज जो है जैसे इसमें सेकेंड स्टेज और इसमें थर्ड स्टेज, ये आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट ही है, ओके, आगे हम लोग देखेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट क्या डाला हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड या विल नॉट एक्वायर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर आप 15 अप्रैल 2019 से पहले अगर न जो अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये डेट से पहले आपने जो 12th पास कर रखा हो, अगर आप UDC के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इस डेट से पहले 15 अप्रैल 2019 डेट से पहले ही ग्रेजुएशन कर रखे हो। फिर जो भी जैसे मान लो अब अपीयरिंग वाले जो है इसको फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, जैसे मान लो कुछ लोग अभी बीटेक के फाइनल ईयर में होंगे जिनका कि जून जुलाई वगैरह में पास आउट होने वाले हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि जिन लोगों ने 15 अप्रैल से पहले अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है वही लोग जो है इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी अपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको। अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपके स्टेनोग्राफर के लिए 2 एग्जाम है, फेज 1 आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और सेकेंड जो आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट है, जो टाइपिंग टेस्ट मैंने बोला था वो आपको और कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपकी कंडक्ट की जाएगी फेज 2 एग्जाम में, क्लियर है। तो आपका स्टेनोग्राफर में बस 2 ही लेवल एग्जाम है, लेकिन UDC वाले के लिए जो अपर डिविजनल क्लर्क है वहां पर आपका 3 लेवल एग्जाम है, प्रीलिम एग्जाम, मेन्स एग्जाम एंड फेज 3 आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, ओके। यहाँ पर क्या है CST कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो आपका कंडक्ट किया जाएगा। फेज 1 क्या हो गया, प्रीलिम एग्जाम, फेज 2 मेंस एग्जाम एंड देन कंप्यूटर स्किल टेस्ट। आगे हम लोग पैटर्न देखें तो वो आपको और भी क्लियर होगा। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो रिवाइज्ड पे एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन फॉर द पोस्ट इज लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स सिविलियन एम्प्लॉयज विद एंट्री पे रुपीज 25,500 रिप्लेस्ड अगेंस्ट पे बैंड 52। तो जो आपका नया बैंड होगा और उसमें आपको 25 के लिए मिलेगा, साथ ही साथ जो ग्रेड पे होगा 2400 वाला उसको अब अपडेट कर दिया गया है, तो नया 7th पे कमीशन के अनुसार आपको पे मिलेंगे, तो अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है, खास करके UDC में तो आप अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ओके। और उसके अलावा आपको TA DA जो भी मिलते हैं वो सभी कुछ मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और बेसिक बात है आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है और वर्कलोड कम रहने वाला है। अगर हम लोग प्रीलिम एग्जाम के पैटर्न की बात करें, प्रीलिम एग्जाम के पैटर्न किसके, ESIC स्टेनोग्राफर वाला, सबसे पहले हम लोग स्टेनोग्राफर का देखते हैं एंड देन UDC वाला देखेंगे, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये स्टेनो वाला है। पहले हम लोग स्टेनो के प्रीलिम एंड मेंस को देख लेते हैं, देन UDC वाला देखेंगे।
तो स्टेनोग्राफर का प्रीलिम में क्या है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 100, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 100, उसके लिए ड्यूरेशन कितना दिया गया है 70 मिनट्स, ओके। एंड जो पेपर टू है वो है रीजनिंग एबिलिटी, ये आपका 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, एंड इसके लिए आपको सेक्शनल टाइम कितना गया है 35 मिनट्स का दिया गया है। उसके आपको जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस के आपको 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड देन 25 मिनट आपको टोटल दिया गया है, तो टोटल कितने हो गए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन आपको देख लीजिए कितना है 2 घंटे 10 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। क्लियर है आपको, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर ये दोनों पेपर जो जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एबिलिटी है ये दोनों आपको हिंदी में भी अवेलेबल होंगे और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बाय लैंग्वेज अवेलेबल होगा। तो जो लोग हिंदी में देना चाहते हैं पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं हिंदी में कर सकते हैं, और जो लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं, ओके। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल होगा, लेकिन जो इंग्लिश वाला होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल होंगे। जो स्टेनो का आपको मेंस वाला पार्ट है, सॉरी स्टेनो का जो मेंस वाला पार्ट है जो कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट है, वो आपको इस तरह से रहेगा कि प्रिपरेशन ऑफ टू पावर पॉइंट स्लाइड्स, कि आपको 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको 10 मार्क्स अवेलेबल है। देन आपका टाइपिंग मेथड ऑन एमएस वर्ड विथ फॉर्मेटिंग, आपको फॉर्मेट करने के साथ साथ इसको 20 मार्क्स जो है इसके लिए आपको अवेलेबल है। प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल विथ यूज ऑफ फार्मूला, कि फार्मूला के माध्यम से आपको एमएस एक्सेल में टेबल वगैरह क्रिएट करने हैं, उसके लिए आपको 20 मार्क्स अवेलेबल है। तो टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे, ओके। ये हो गया पार्ट ए जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट है मेंस स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, उसका ये पार्ट ए था। इसी में आपको पार्ट बी भी है जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है, उसमें आपको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करने हैं, ओके। आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दे दी जाएगी, आपको टाइपिंग के लिए दे दिया जाएगा आपको कुछ भी, और उसको आपको 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मतलब 800 वर्ड आपको टाइप करने हैं, ये वहां पर दिया गया है, चाहे वो हिंदी में करो इंग्लिश में करो। और जो आप टाइप करते हो उनको आपको फिर से अरेंज करना है, ओके। आपको फिर से जो उसको एक ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर करना है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम ऑन कंप्यूटर फॉर 1 आवर, कि आपको अगले जो 1 घंटे में फिर आपको क्या करना है उसको ट्रांसक्रिप्शन करना है, कि उसको आपको स्ट्रक्चर्ड वे में जो है आपको ट्रांसक्रिप्ट रेडी करके देना है, ये भी आपको मैटर करेगा। तो टोटल सेकेंड पार्ट जो है वो आपको इस तरह से रहने वाला है। देन आपका ये हो गया यूडीसी वाले के लिए, ओके। ये आपको प्रीलिम एग्जाम का पैटर्न यूडीसी के लिए, तो ध्यान रखिएगा यूडीसी में आपको क्या जरूरी है। यहाँ पर आपका प्रीलिम में जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, सेम टू सेम आपका एसएससी सीजीएल वगैरह का जिस तरह का पैटर्न होता है वैसा ही पैटर्न है आपको, और सिलेबस वगैरह भी आपके कहीं ना कहीं उसी से मैच कर रहे हैं। तो ध्यान रहे कि आप इसको बैंक का मत कंसिडर करके आप एसएससी का लिए प्रिपरेशन वाला कंसिडर कीजिएगा, ओके। जैसे कि कल किसी ने एक क्वेश्चन ही पूछा था मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में, तो रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस जनरल इंटेलिजेंस के लिए आप 20 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे 50 मार्क्स रहेगा आपका, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, देन कंप्यूटर क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आपके 25 एंड 50, तो सबके लिए 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स है, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स आपके रहने वाले हैं, ओके। और 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो मैटर क्या करेगी, मैटर करेगी ये जनरल अवेयरनेस पोर्शन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, कितना अच्छा आप यहाँ से परफॉर्म करते हो वही आपका मैटर करेगा। तो आपको टारगेट करना है 130 प्लस के लगभग आपको टारगेट करना है, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी और काफ़ी कम वैकेंसी है, आपको उतना टारगेट करना पड़ेगा। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट रहा तो, अगर पेपर डिफिकल्ट रहता है फिर आपका 95, 100, 110 के लगभग आपको टारगेट करने पड़ेंगे। अगर हम लोग मेन्स एग्जाम के पैटर्न की बात करें यूडीसी वाले के लिए, तो उसमें आपको फिर से 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, और फिर अलग अलग मार्क्स वेटेज हैं। जैसे सेम सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट चेंज है, बट यहाँ पर मार्क्स जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर आप पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है, जैसे आपको यहाँ पर क्या था पर क्वेश्चन 2 मार्क्स था, उस तरह यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए गए। अब यहाँ पर आपको वहाँ 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स थे, यहाँ पर 200 क्वेश्चन के 200 मार्क्स हैं, ओके। एंड देन आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम भी दिया गया है। मोस्ट ऑफ द पेपर आपको बायलिंगुअल होंगे एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज वाले पेपर को छोड़कर। यहाँ पर फिर स्टेप जो फेज 3 होगा, जो कंप्यूटर स्किल SKT बोल सकते CKT बोल सकते हैं, कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो होगा वो इस तरह से होगा कि यहाँ पर आपका टाइपिंग वगैरह नहीं ली जाएगी आपसे,
सॉरी यहाँ पर भी शायद टाइपिंग है, लेकिन यहाँ पर आपका जो फोकस रहेगा वो प्रिपरेशन ऑफ टू पावर पॉइंट स्लाइड्स 10 मार्क्स का, टाइपिंग मेथड ऑन एम एस वर्ड विथ फॉर्मेटिंग, आपको टाइपिंग वर्ड कर सकते हैं, ये 20 मार्क्स का रहेगा, एंड देन टेबल ऑन एम एस एक्सेल विथ यूज ऑफ फॉर्मूले, ये जो आपको 20 मार्क्स का रहने वाला है, जो टोटल ये अभी 50 मार्क्स का रहेगा आपका, और यहाँ पर आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। ये आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट रहने वाला है यूडीसी के लिए, यूडीसी वाले पोस्ट के लिए। अब अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, सिलेबस किस तरह जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि एसएससी सीजीएल का जो आपको फोकस करना है, एसएससी सीजीएल में जो आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जिस तरह से सिलेबस फॉलो करते हैं वो वाला सिलेबस आपको फॉलो करना है। वहां पर क्या होता है कि सीजीएल में आपको अरिथमेटिक वाला पार्ट ज्यादा रहता है, ओके अरिथमेटिक पोर्शन, जैसे बैंक एग्जाम हम लोग क्या देखते हैं कि डीआई या आपको क्वाड्रेटिक वगैरह ज्यादा रहता है, वो ऐसा नहीं रहता, वहां पर अरिथमेटिक वाला पोर्शन जो आपको ज्यादा रहता है, चाहे वो परसेंटेज हो, पार्टनरशिप हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एसआईसीआई हो, या टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो, ये सब जितने पोर्शन होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सब जितने पोर्शन होते हैं ये आपको काफी ज्यादा होते हैं, तो आपको अरिथमेटिक पोर्शन पर ज्यादा फोकस करने हैं अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। साथ ही साथ आपका फोकस होना चाहिए जैसे मेंसुरेशन या ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन पर भी होना चाहिए, वहां से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देन एक दो डीआई, तो आप एक सेट जो है डीआई का अटेम्प्ट एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, सॉरी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो लोग डीआई या डीफी डेटा सफिशिएंसी के आपको 5 से 10 क्वेश्चन पूछ ले, ओके। फेज वन एंड फेज टू, चूंकि दोनों में पैटर्न सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस है, तो हम लोग सिलेबस में कोई डिफरेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और चूंकि आपको ऑलरेडी अगर आप नोटिफिकेशन देखो तो वहां पर उन्होंने सिलेबस दे रखा है, तो ऐसा नहीं कि सिलेबस आपको मन से बनाना है, कि नोटिफिकेशन उन्होंने सिलेबस जो है ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। उसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस, दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस में आपको जरूरी क्या है कि यहाँ पर, या फिर से मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो सिलेबस होता है वो आपका एसएससी सीजीएल का होता है, जो जनरल इंटेलिजेंस वाला पोर्शन है वो आपका सीजीएल से आता है, ओके। तो देखो किस तरह से जनरल इंटेलिजेंस पोर्शन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, जैसे कि आपका सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस हो गए, या आपको विजुअल मेमोरी हो गया, नंबर्स, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल वाले, जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पर आपको फोकस करने पड़ेंगे, ओके। ऐसा नहीं कि इवन लॉजिकल रीजनिंग, जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो स्टेटमेंट कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप पजल के क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पजल नहीं पूछा जाएगा, पजल के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि दोस्तों देखिए जब 25 क्वेश्चन रहेगा तो वहां पर आपका कुछ चैप्टर चीजें छूट सकती है, मान लो उन्होंने 15 आपसे जो है वो नॉन वर्बल पूछ दिया और 10 आपसे वर्बल पूछ दिया, ऐसा कुछ आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप मेंस एग्जाम जाते हैं तो वहां पर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, उनके पास ऑप्शंस काफी ज्यादा होगा आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, अलग अलग वेरिएशन लाने के लिए, तो वहां पर जो है आपको प्रिपेयर अच्छे से करना पड़ेगा, वहां पर आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चंस का प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि यहां पर वेरिएबल अच्छा खासा आपको मिल सकता है, ये चीज आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, तो पूरा का पूरा यही समझो ना कि एसएससी सीजीएल में जिस तरह से, क्योंकि एसएससी सीजीएल में क्या होता है कि वहां पर वोकैबुलरी वगैरह पर ज्यादा फोकस करते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये तीन चीज जो उनका टारगेट रहता है। तो आपको जैसे हम लोग बैंक में क्या देखते हैं कि वोकैबुलरी के आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कॉम्प्रिहेंशन में मिक्स्ड होते हैं, या आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन का पार्ट होता है, वो डायरेक्ट वोकैबुलरी नहीं पूछाते। लेकिन अगर आप एसएससी में देखो सीजीएल में, तो वहां पर प्रीलिम में भले ही कम क्वेश्चन पूछे, लेकिन मेंस में आपको खास करके ये चीज देखा जाता है कि वहां पर ढेर सारे वोकैबुलरी क्वेश्चन, जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, या आपको फ्रेजेज, एडम्सन फ्रेजेज वाले क्वेश्चन हो गए, ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहां पर पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन वहां पर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे मिस स्पेल्ड वर्ड्स वगैरह हो गए, वो सब के क्वेश्चन वगैरह भी आप वहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि सिलेबस को आप इस तरह से कवर करें, ओके। एंड देन आते हैं आप जनरल अवेयरनेस पोर्शन पर। देखिए दोस्तों जनरल अवेयरनेस में आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर, वो कोर जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी, और करंट अफेयर्स के पोर्शन वाले क्वेश्चन भी। तो कोर जनरल नॉलेज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स, कल्चर, जनरल पॉलिटिक्स, ये सब के क्वेश्चन आपसे कवर करने पड़ते हैं। तो देखो इतना सारा कुछ तो आप कवर कर नहीं सकते हो, ऑलरेडी इन चीजों को आप पढ़ोगे किसके लिए, आप पढ़ोगे अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ओके, एसएससी सीजीएसएल के लिए, तो इन सभी चीजों के लिए आप ऑलरेडी पढ़ोगे ही, और मुझे लगता है कि हर कोई अभी आरआरबी एनटीपीसी तो फिल करेगा ही पिलेगा, क्योंकि 44-45 हज़ार वैकेंसी है, और आने वाले दिनों में मे भी आपको और इंक्रीज हो जाए,
तो इसलिए आप उसको पढ़ोगे। तो लूसेंट का जो है जीके जीएस वाला बुक खरीद के लेके आओ और उसको कवर करना स्टार्ट कर दो, उससे जितना पॉसिबल हो सकता है उसको कवर किया करो। इवन प्रीवियस ईयर के कभी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए, जो एसएससी द्वारा कंडक्टेड किसी भी एग्जाम में पूछे गए उन सभी को आप कवर करो। या आपको आरआरबी के रिसेंटली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए एएलपी वगैरह में पूछा गया है उन क्वेश्चन को आप रिवाइज करो, उसके माध्यम से आप ये वाला पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि आप एनसीईआरटी की बुक लेकर या अलग अलग सब्जेक्ट की बुक लेकर पढ़ने जाओगे फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और उतना टाइम आपके पास है नहीं, जो फ्रेंकली बात स्पीकिंग जो बात है। और इसलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो 2016 का क्वेश्चन है वो भी आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से आपको प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप देखोगे तो जो वेबसाइट मैंने लिंक दिखाया था वहाँ पर ऑफिशियल पेपर आपके पास अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट टाइम 2016 में पेपर हुआ था। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबमिट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ये सब जितने क्वेश्चन होते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, वो क्या था, आप लोग बोलोगे सर अपने बुक्स के बारे में नहीं बताया कि कौन से बुक्स कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो ESIC UDC के लिए जो है आपको यहाँ पर बुक लिखा हुआ मेंशनड है, इसको आप कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि कॉपी पेस्ट डिसेबल्ड है। ESI जो है देखिए जो यहाँ पर बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको इस तरह से रहेंगे। यहाँ से देखो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जा सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखो रीजनिंग एबिलिटी के लिए कौन कौन से बुक रिकमेंडेड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए कौन कौन से रिकमेंडेड है, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ पर आपको सारे बुक्स के PDF वगैरह आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और आने वाले दिनों में 4 से 5 दिन में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट आपको चाहे वो रीजनिंग के हो और भी बुक्स इंपॉर्टेंट है वो सभी के सभी बुक्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। साइट अभी थोड़ा स्लो है, वो ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यही वाले साइट से यही ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पर आपको PDF वगैरह अवेलेबल है जहाँ से कि आप डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन वाला PDF की बात कर रहा हूँ मैं, वो वाला अवेलेबल है और यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी जो है 8000 के लगभग लोगों ने ज्वाइन कर रखा है आप, और यहाँ पर देखिए ढेर सारे ग्रुप्स वगैरह हैं, LICAO के लिए ग्रुप है, ये सारे के सारे ग्रुप के लिंक है। अगर आप देखोगे तो ये सभी के सभी ग्रुप्स के लिंक है। LICAO के लिए अलग ग्रुप है, UPS के लिए, RBI के लिए, डिस्क्रिप्टिव, GA, रेलवे, SSC के लिए ये चैनल है, ये सभी के सभी आपको ग्रुप से टोटल 5 ग्रुप है हमारे पास, 4 से 5 ग्रुप हम लोगों के पास जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों ये था वीडियो, इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और आप दोनों वेबसाइट चेक करते रह कीजिए, ब्रजेशपुर ट्यूटोरियल को भी और bankforsuccess.in को भी, यहाँ पर रेगुलरली आपके लिए पोस्ट प्रोवाइड किए आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए बैंक फॉर सक्सेस।